नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। सर्दियां आ गई हैं, परौंठे आपने कई तरह के खाए होंगे। आज मैं चीज़ परौंठा बनाऊंगी जो खाने में टेस्टी तो होता है और हेल्दी भी होता है। तो आए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। चीज़ परौंठा बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें मोज़रेला चीज़, जो मार्केट में आसानी से कद्दूकस की मिल जाती है। इसी के साथ लिया है हमने एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी हमने आटा लिया है गेहूँ का। इसी के साथ बटर चाहिए हमें, देसी घी लिया है, नमक, कुटी हुई काली मिर्च लिए है घर की, चीज़ फ्लेक्स लिए हैं और मिक्स अप्स लिए हैं हमने। तो सबसे पहले हम इसका एक डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे और आटा डाल देंगे आधी कटोरी। इसी के साथ इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और 2 चम्मच हमने तेल घी को गर्म किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसको हाथ से मिला देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक आटा बना लेंगे जो ना टाइट होगा और ना ही ढीला होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मैदा है जल्दी पतला हो जाता है, घुल जाता है। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको घी का हाथ लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसको रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। एक बाउल हमने और ले लिया है। अब मैं इसके अंदर चीज की स्टफिंग तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें चीज डाल दूंगी। इसी के साथ इसके अंदर डालूंगी मैं काली मिर्च, नमक डालूंगी। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, चीज में भी नमक होता है इसलिए नमक आप ध्यान से डालेंगे। मिक्स अप्स डालूंगी और चिली फ्लेक्स डाल दूंगी इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला के रख दूंगी। आटे को हमारे रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट के करीब हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से मसल लूंगी पहले ताकि बिल्कुल एक जैसा हो जाए। थोड़ी देर आटे को मिलाने के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको बेलूंगी। मैदे को पहले मैं स्लैब के ऊपर डाल लूंगी अच्छी तरह से और उसके बाद मैं इसको बेलूंगी। जितना बड़ा बेल सकते हैं, पतला बेल सकते हैं उतना बेलेंगे इसको। अभी मैं इसको थोड़ा और बड़ा बेलूंगी। ये देखिए बिल्कुल पतला हो जाएगा ये और इसमें उंगलियां दिखने लग जाएंगी। अब इसको भी थोड़ा सा और बेलेंगे, किनारे आप इसके पूरी तरह से पतले कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर पहले बटर लगाऊंगी। एक ब्रश की मदद से मैं बटर लगाऊंगी। बटर, घी, तेल जो भी लगाना चाहे आप इसमें लगा सकते हैं। और इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर अब चीज डालूंगी। इसको एक साइड से मैं बंद कर दूंगी। उंगली की मदद से आप इसको साइडों से अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि जब इसको हम बनाएं तो इसकी चीज जो है बाहर ना निकले। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसको बंद कर दूंगी और इसको हल्के हाथ से मैं प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी।
सेंटर से आप इसको दबाएंगे जो इसकी चीज है वो चारों किनारों में चली जाए अच्छी तरह से। और अब मैं इसको बेलन से थोड़ा सा बेलूंगी। तवा मैंने नॉनस्टिक गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है, हल्का गर्म किया है हमने। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक चम्मच देसी घी डालूंगी। और इसके ऊपर मैं परौंठे को डाल दूंगी। जब आप मैदे का परौंठा बनाएं तो इसको मैदे के साथ ही बेलें। अगर आप इसको सूखा आटा लगाएंगे तो परौंठा हमारा पीला पीला दिखने लग जाएगा, मैदे से ये वाइट वाइट दिखते हैं। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ये जो किनारे हैं इसको मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया था, हाथ से भी कर दिया था और जब मैंने बेलन चलाया था तो उससे भी मैंने इसको बंद कर दिया था। अब जैसे जैसे हमारी चीज पिघलती जाएगी परौंठा हमारा फूलता जाएगा अपने आप। मीडियम हीट पे आप परौंठे को पकाएंगे, ज्यादा तेज गैस पे नहीं पकाएंगे। अगर तेज गैस पे पकाएंगे तो चीज पिघल नहीं पाएगी और परौंठा हमारा अच्छा बनेगा नहीं। ये देखिए फूलना शुरू हो गया, जैसे जैसे चीज पिघलती जाएगी ये फूलता जाएगा अपने आप। ये देखिए परौंठा हमारा फूलना शुरू हो गया, चीज इसके अंदर पिघल गई है और कहीं से हमारा खुला नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं से खुल रहा है तो आप इसको हल्के हाथ से दबा देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूंगी और इसी के साथ मैं दूसरा परौंठा भी तैयार कर लूंगी। ये देखिए ये भी परौंठा हमारा फूलना शुरू हो गया, दूसरा परौंठा भी मैंने उसी तरीके से बनाया है। ये देखिए पूरी तरह से फूलना शुरू हो गया, जैसे जैसे चीज पिघलती जाएगी ये फूलता जाएगा अपने आप ही। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लूंगी। हल्का सा मैंने कट लगा लिया था इसको क्योंकि बहुत गर्म होती है चीज। और ये देखिए ये देखिए पूरा चीज हमारा पिघल गया है, बहुत गर्म होता है, आप इसको जरा आराम से करें बस। ये देखिए हमारा चीज परौंठा बनकर तैयार हो गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बहुत पसंद आता है, मगर जब आप ये बच्चों को दें तो आप उनके साथ रहें क्योंकि चीज बहुत गर्म होती है और बच्चों का हाथ और मुंह दोनों जल सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाया चीज परौंठा पसंद आया तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।